बड़ी खबर है जहां से आ रही है कि सिवान के सिविल सर्जन अवशेष कुमार को पटना के स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर निलंबित कर दिया गया है। यह बड़ी कार्रवाई बिहार के राज्यपाल के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों के हस्ताक्षर पर की गई है। आपको बताते चले कि कुछ दिनों पहले सिवान के सिविल सर्जन अवशेष कुमार ने सिवान के सदर अस्पताल से एक चिट्ठी जारी की थी, जिसमें जिला स्वास्थ्य समिति की एक लेटर थी और इस लेटर को आप देख सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा था, अवशेष कुमार जो सिविल सर्जन थे सिवान के, कि अपने क्षेत्र में, यानी कि लोग अपने अपने क्षेत्र में निजी अस्पतालों और झोला छाप चिकित्सकों को चिन्हित कर उनसे सेवा लेने हेतु पत्र प्रेषित करने तथा उन्हें प्रशिक्षित करने के संबंध में एक लेटर जारी की गई थी। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा इस लेटर को भी दिखाएं। और कहीं ना कहीं जो लेटर अभी पटना से जो जारी हुए हैं इनके निलंबित के, उसमें दिया गया है कि ये लेटर कहीं ना कहीं सभी चिकित्सकों की अवहेलना करता है, उनकी छवि को धूमिल करता है और उसको लेकर के पटना के स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर इन्हें निलंबित कर दिया गया है। आपको बताते चले कि ये सिविल सर्जन अवशेष कुमार कोरोना जैसी महामारी को लेकर सिवान में इनके द्वारा काफ़ी लापरवाही बरती जा रही थी, जो सामने आ रही थी कि जिस तरह से आज हमने चैनलों पे दिखाया भी कि जब कोरोना के संदिग्ध मरीज पाए गए थे और जब पटना इन्हें भेजे गए थे तो फिर सिवान क्यों इन्हें बुला लिया गया था, क्योंकि जो मरीज पटना जाँच के लिए गए थे संदिग्ध हालत में, कल उनका पॉजिटिव निकला और 4 की संख्या में कल पॉजिटिव मरीज पाए गए, तो सिवान के अलग अलग क्षेत्र से पाए गए थे और सभी सिवान के अलग अलग अपने क्षेत्र के घर में वो खुद मौजूद थे। इस सवाल पर जब सिवान के सिविल सर्जन अवशेष कुमार से जब सुबह में उनसे बातचीत की गई और उनसे जानने का प्रयास किया गया कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिरकार स्वास्थ्य विभाग ने, सिवान के जो स्वास्थ्य विभाग है उसने क्यों की, तो इस पर वो पहले कैमरे से बचते नजर आए। हालांकि अब तक कोरोना जैसी महामारी को लेकर जब जब पत्रकार वहाँ उनसे संपर्क करना चाहें, कोरोना जैसी महामारी को लेकर कई तरह के प्रश्न करना चाहें, कई तरह की जानकारियां लेना चाह रहे थे, तो वो अवशेष कुमार जो सिविल सर्जन थे वो भाग रहे थे। इस पूरे मामले की जानकारी हम लेंगे जो कशिश न्यूज़ के संवाददाता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, निरंजन कुमार, इनसे हम जानकारी लेंगे कि पूरा मामला क्या है। आखिरकार सिवान के सिविल सर्जन को जो अभी हम लोगों को खबर मिली हुई है, पटना से एक लेटर इश्यू हुआ है, अचानक क्यों उन्हें सस्पेंड कर दिया गया? हालांकि दिन में हम लोग उनके पास खबर करने भी गए हुए थे, वो कैमरे के सामने से भाग भी रहे थे। जी बिल्कुल चंदन, ये आपको मैं बता दूँ कि देखिए, ये सिविल सर्जन के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई है और पटना से जो अनिल कुमार हैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है। राज्यपाल के आदेश के बाद ये कार्रवाई हुई है, डॉक्टरों की छवि को धूमिल किए हैं। एक और सबसे बड़ी खबर आपको मैं बता दूं कि अभी तुरंत मेरे व्हाट्सएप पे एक चिट्ठी और आया है, जिसमें डीपीएम ठाकुर बिस्मोहन जो हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है और उन्हें भी निलंबित करने किया गया है, जिसमें साफ तौर पर इस चिट्ठी में लिखा गया है कि श्री ठाकुर बिस्मोहन जिला कार्यक्रम प्रबंध सिवान के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में, यह जिला में ये सहमति के लिए आया हुआ है। इसमें साफ तौर पर एक और चीज़ लिखा हुआ है कि 25/3 द्वारा नोवल कोरोना वायरस के बचाव हेतु सिवान जिला के सभी प्रखंडों में झोला साहब डॉक्टरों, यानी इसी मुद्दे को लेकर डीपीएम से भी ये सलाह ली गई थी और उसी मामले पे डीपीएम ठाकुर बिस्मोहन को भी निलंबित करने की चिट्ठी यहाँ आई हुई है और ये चिट्ठी स्वास्थ्य विभाग पटना से ही जारी हुआ है। ये सबसे बड़ी खबर है कि एक साथ जिले के दो अधिकारी जो स्वास्थ्य विभाग के हैं वो दोनों को निलंबित करने की बात आ रही है सामने। जी कि यह एक बड़ी कार्रवाई है और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो बड़ी कार्रवाई हुई है सिवान के सिविल सर्जन और अन्य पदाधिकारियों पर, तो ऐसे में लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना जिस तरह से जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनमें जिस तरह से वो लापरवाही बरत रहे हैं उसको लेकर के उन लोगों में हरकंप मच गया है कि अब शायद अगर हम किसी कार्य में लापरवाही करेंगे तो जो विभाग हैं ऊपर के वो नहीं बख्शेंगे, जो बड़े ऊपर के पदाधिकारी हैं वो नहीं बख्शेंगे, कहीं ना कहीं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से झोला छाप डॉक्टर का नाम लेकर के सिवान के सिविल सर्जन ने धूमिल करने का काम किया था सभी डॉक्टरों को, और इस तरह से एक सिविल सर्जन को एक लेटर इशू नहीं करना चाहिए था, तो अवशेष कुमार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ठीक इसी तरह से खबरों की अपडेट देखने के लिए ATNLive.in यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। हमारे सहयोगी गोलू के साथ चंदन कुमार, ATNLive सिवान।